दोस्तों यहां पर हमारे पास है 2023 की होंडा की न्यू लॉन्च हॉर्नेट 2.0 और ये बाइक में 2023 में क्या अपडेट किया गया है OBD2 वाला वर्जन के साथ और फेज 2 वाला इंजन इस बाइक में आया है, तो इसकी टॉप स्पीड कितनी है, इसका माइलेज कितना है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इस बाइक में क्या फीचर मिल जाता है 2023 में, क्या कुछ नया इस बाइक में मिलता है और किस वजह से आप इस बाइक को परचेज करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो दोस्तों तो पेज को फॉलो कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से लुक देखिए दोस्तों, ये बाइक कुछ इस तरह से लगती है देखने में। ये जो बाइक है ये रेड कलर में है, मेट रेड कलर में, और इस बाइक में काफी कुछ यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो सबसे पहला जो बदलाव है इस बाइक में वो आपको यहाँ पर दिखाने वाले, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स में यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आपको मेहरून कलर के साथ रेड में एक डिजाइनिंग मिलती है, यहाँ पर आपको येलो एंड व्हाइट मिलती है और ये डुअल टोन में आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम आते हैं काउल की तरफ तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इसकी डिजाइनिंग यहाँ पर दिख रही है और नीचे जो है इसका इस तरह से यहाँ पर कट दिखता है। ये वाला जो पोजीशन है दोस्तों ये आपका मेट ब्लैक में फाइबर में आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको ग्रे मेटलिक में आपको कलर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रेड कलर की ऊपर ग्राफिक्स आपको मिल जाती है। थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके टैंक के सेंटर में आपको जो है यहाँ पर कार्बन फाइबर का डिजाइन मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रिप वाला आपको मैट फिनिश में मिलता है और यहाँ पर आपको फिर कार्बन फाइबर का डिजाइन मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर की लगाने का ऑप्शन आपको मिलता है और की इसका जो है नॉर्मल सा कुछ इस तरह से की दिखता है और होंडा की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिलती है। ताकि चलाने में राइड करने में ये बाइक ठीक ठाक लगी और काफ़ी स्मूथ लगी चलाने में, और स्मूथनेस का वजह क्या है वो आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एक होंडा की ब्रांडिंग मिलती है मेट कलर में, आपको ब्लैक में यहाँ पर ये सारा डिजाइन मिलता है और इस आकार में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर प्लेट का आपको लगाने का यहाँ जगह मिलता है। हेडलैम्प आपको फुल्ली LED में आपको मिलता है, ये हाई बीम ये लो बीम आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसका जो डिजाइन है दोस्तों ये काफी जबरदस्त लुक के साथ ही आता है और काफी खूबसूरत लगता है देखने में। उसके साथ ही थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस प्रकार है, देख पा रहे हैं चौड़ा सा यहाँ पर आपको फाइबर क्वालिटी में बिल्ट लग रही, काफ़ी मजबूत क्वालिटी में आपको यहाँ पर मडगार्ड मिलता है और इसके बैक में आपको देख पा रहे ये अलग है और ये अलग है और ये आपको मेट ब्लैक में फाइबर मिलता है जो कि देखने में इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और उसके साथ ही अगर हम इस साइड की बात करते हैं यहाँ पर आते हैं, ये जो आपका सस्पेंशन है दोस्तों, चूँकि ये USD सस्पेंशन है जिसके वजह से ये बाइक जो है काफ़ी स्मूथनेस चलती है और स्मूथ चलने का एक और रीज़न है जो कि वीडियो में आगे बताएंगे आपको। उसके नीचे यहाँ पर आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर 276 mm की इस बाइक में डिस्क ब्रेक मिलती है और देख पा रहे हैं ABS का यहाँ पर आपको रिंग मिल जाता है और ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और इसके साथ ही इस बाइक की हम टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको MRF का टायर मिल जाता है और सामने का जो टायर है दोस्तों ये 110 mm का टायर जो है काफ़ी अच्छा है फ्रंट में और काफ़ी ग्रिपिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टायर है और स्मूथनेस बढ़ाने में ये टायर भी आपको काफ़ी हद तक मदद करता है, रोड को पकड़ के चलती है ये बाइक। तो दोस्तों इस बाइक की अभी सारा कुछ हम डिटेल्स में बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले हम इस बाइक की डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक का जो लेंथ आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये 2034 mm इस बाइक का लेंथ है और विथ जो है ये 783 mm का आती है और हाइट इस बाइक के जो है 1064 mm का है और व्हील बेस जो है 1335 mm की है और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 167 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और ये बाइक की जो कर्व वेट है दोस्तों ये 142 kg की है और इस बाइक की जो टैंक की फ्यूल कैपेसिटी आती है दोस्तों ये 12 लीटर की आपको यहाँ पर आपको मिल जाती है। सीट हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको तो 790 mm का आपको यहाँ पर सीट हाइट मिल जाता है और सीट की जो लेंथ है दोस्तों ये 590 mm को यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये तो थी इस बाइक की डायमेंशन दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट वगैरह और इंजन स्पेसिफिकेशन और टैंक और हैंडलिंग और मीटर कंट्रोल सारी चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं। बात करते हैं इसकी सीट कम्फर्ट की दोस्तों, तो देख पा रहे हैं राइडर वाला सीट जो है ठीक ठाक है और ये पिलियन वाला देख पा रहे हैं दोनों सेम कंफर्ट के साथ आपको मिलता है। इस बाइक में आपको डुअल सीट आपको मिल जाता है और यहाँ पर देख पा रहे हैं सीट के नीचे ये ग्रे कलर का काउल मिल जाता है, यहाँ पर ये गोल्ड में स्टिकर मिलता है, ये रेड में मिलता है, कैमरा में पता नहीं आप आ रहा है कि नहीं लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कट दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये शायद एयर को भी काटता होगा और उसके नीचे यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों ये सीट इससे खुलती है और देखते हैं एक क्लिक में ये सीट खुलता है कि नहीं। पहले हमने चाबी को निकाल लिया है और देख पा रहे हैं यहाँ पर चाबी को हमने थोड़ा सा इस तरह से डाउन किया और ये सीट हमारा खुल गया है
और इसको थोड़ा सा इधर से उठा करके इस तरह से टानना है। तो ये सीट खुल गया, लेकिन इसको खोलने के लिए आपको दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक हाथ में कैमरा था इसीलिए। और देख पा रहे सीट खोलने के बाद यहाँ पर देख पा रहे आपको यहाँ पर फर्स्ट एड का किट मिल जाता है। और इधर आते हैं तो देख पा रहे यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस मिलता है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर दिखता है। और इसको आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और राइडर वाला अगर सीट खोलना चाहते हैं तो यहाँ से इसको खोल सकते हैं। ये देख पा रहे दो बोल्ट दिया गया है, इससे आप खोल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चेन कवर आपको आधा मिल जाता है। और यहाँ पर चेन जो है आपको ओरिंग वाली चेन मिलती है, जो कि काफी सही है, काफी अच्छी है। 4000 किलोमीटर में इसको स्प्रे कर सकते हैं। और इधर आते हैं पीछे के टायर की तरफ, तो यहाँ पर आपको 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि ये MRF कंपनी का है। 140 mm का टायर जो है दोस्तों वो काफी चौड़ा होता है और रोड को काफी अच्छे से पकड़ के चलता है दोस्तों। और इस बाइक की टेल लैंप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका टेल लैंप कुछ इस प्रकार से लगता है देखने में। यहाँ पर देख पा रहे एस आकार का यहाँ पर टेल लैंप दिखता है, काफी खूबसूरत लगता है दोस्तों। और ये फुल्ली LED में आपको यहाँ पर मिलता है, देखने में काफी जबरदस्त लगता है। और साथ में आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलता है दोस्तों, ये आपको 1000 में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है और भी इसका जो खूबसूरती बढ़ाती है, इसका लुक और भी चार चांद लग जाता है। रेयर में आपको पीछे में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन ये बाइक में सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है। और यहाँ पर निफिन के क्लेवर आपको मिल जाता है। और एग्जॉस्ट जो है दोस्तों ये इस प्रकार से लगता है देखने में, काफी खूबसूरत लगता है। अभी एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाएंगे। यहाँ पर भी आपको एल्युमिनियम का फुटरेस मिल जाता है, टायर हगर मिल जाता है यहाँ पर पीछे में। और यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों इस बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। हैंडलिंग जो है काफी स्टेबल रहती है ये मोनोशॉक सस्पेंशन से, और ग्रेविटी को भी ये बनाए हुए रखता है। और साथ ही साथ नीचे आता है यहाँ पर आपको राइडर वाला जो फुटरेस है वो आपको एडजस्टेबल मिलता है। ऊपर में रबड़ का यहाँ पर आपको काफी लचीला सा रबड़ मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। इस बाइक में आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाती है। और नीचे आप देख पा रहे 184cc का जो बाइक है, इस बाइक में आपको सेंटर स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी बात है। और आते हैं इधर तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको इंजन काउल मिल जाता है, जो कि ये फाइबर का है। और बात करते हैं इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इस बाइक में आपको 184.40cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर FI इंजन BS6 वाला 2.0 इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्स पावर है दोस्तों 12.7 kW 8500 RPM पर यह काम करता है। और इसका जो मैक्स स्ट्रोक है वो 15.9 Nm 6000 RPM पर यह काम करता है। इस बाइक की जो स्ट्रोक है वो 63.96 mm है, और ये बाइक जो है सिर्फ सेल्फ में आती है, इस बाइक में आपको किक नहीं मिलता है। साथ ही अब थोड़ा सा हम ऊपर की ओर आते हैं, तो इस बाइक की जो मीटर कंसोल है दोस्तों कुछ इस प्रकार से लगती है देखने में। देखिए चाबी हमने दिया है, और देखिए यहाँ पर आपको सारा जरूरी फंक्शन मिल जाता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टर्न इंडिकेटर और न्यूट्रल, घड़ी, साइड इंडिकेटर, ABS की लाइट और न्यूट्रल और चेक इंजन लाइट, सारा कुछ मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के हैंडल पोजीशन की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको इस राइट साइड में यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 1000 का स्विच मिलता है। ये बाइक में आपको 1000 लाइट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सेल्फ का बटन मिल जाता है आपको, और ये इसका जो ग्रिपिंग है ये कुछ इस प्रकार है, और मिरर कुछ इस प्रकार से लगता है देखने में। साथ ही साथ अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, और ये टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और हॉर्न कुछ इस प्रकार से है। हॉर्न काफ़ी लाउड है दोस्तों। कमाल की बात है कि इस बाइक में आपको जो है 1000 लाइट का भी फीचर मिल जाता है, और इसका जो इंडिकेटर है दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत है, और ये LED में है, और देख पा रहे इस तरह से ये जलता है और काफी अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। एक बात दोस्तों, इस बाइक में आपको एसिस्ट स्लीपर क्लच मिलता है, जो कि काफी हद तक सही है, काफी अच्छी है। आप हल्का सा क्लच दबा करके भी गियर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लच अगर आप हल्का सा दबाएंगे तो गियर आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है इस बाइक में। तो दोस्तों इस बाइक की थोड़ा सा हम आपको साउंड सुनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया, और इसका साउंड कुछ इस प्रकार से दोस्तों। इसका सबसे पहले एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, धुक 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 धुक, ये जो है इसका इंजन साउंड। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की, तो ये बाइक हमारे दुमका शोरूम में बाइक्स इंडिया में जो है 1,67,052 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है। और दोस्तों ये बाइक अगर आप बुक करना चाहते हैं दोस्तों, तो मोबाइल नंबर जो है शोरूम का ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप कॉल करके ये बाइक को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों, पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।